हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले एक रिएक्शन लिखते हैं जिसमें रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। हमें पता है रेट इक्वल टू फॉर्मूला होता है के रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का पावर। सिंस ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर वन, जो वन हम जनरली शो नहीं करते हैं, तो हम ऐसे रहने देते हैं इसको। रेट इक्वल टू के इंटू आर इम्प्लाइज दैट हमें पता है रेट को हम लिखते हैं माइनस डी आर बाई डी टी, दैट इक्वल टू के इंटू आर इम्प्लाइज दैट। फिर हम इसको लेफ्ट राइट करके हम लिख सकते हैं डी माइनस डी आर या सिंपली डायरेक्टली डी आर बाई आर, डी आर वाई आर इक्वल टू माइनस के डी टी, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। अगर हम दोनों साइड इंटीग्रल लेते हैं तो इंटीग्रल डी आर वाई आर इक्वल टू इंटीग्रल माइनस के डी टी, करेक्ट है। इसके बाद हमें फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है इंटीग्रल वन बाय एक्स डी एक्स, दैट इक्वल टू लॉग एक्स होता है और हम एल एन एक्स लिख सकते हैं नेचुरल लॉगरिथम में। तो उसी हिसाब से जब हम इंटीग्रल वन बाय आर डी आर है, इसको हम लिख सकते हैं एल एन आर, दैट इक्वल टू इसमें कॉन्स्टेंट को हम बाहर कर देते हैं, देन माइनस के इंटीग्रल डी टी इम्प्लाइज दैट एल एन आर इक्वल टू माइनस के और इंटीग्रल डी टी, इंटीग्रल डी एक्स एक्स होता है तो इंटीग्रल डी टी टी हो गया, तो एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी। और जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो समथिंग कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं, जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यहां पे आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो ये एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई हो गया, इसको हम इक्वेशन वन रख लेते हैं। अब इनिशियली यानी जब टाइम इक्वल टू जीरो होगा एट टी इक्वल टू जीरो, तो इनिशियली जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट कहेंगे। तो अगर टी इक्वल टू जीरो है देन आर इक्वल टू जो भी इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का टी इक्वल टू जीरो पे, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगा जिसको हम आर नॉट लिखेंगे। एट टी इक्वल टू जीरो देन आर इक्वल टू आर नॉट, इन वैल्यूज को हम इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन, क्या हो जाएगा, एल एन आर की जगह हम आर नॉट हमें लिखना है, तो एल एन आर नॉट इक्वल टू माइनस के टी की जगह जीरो प्लस आई, तो इंप्लाइज दैट एल एन आर नॉट इक्वल टू आई बन गया। अब आई का वैल्यू हम इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन वन। अगर हम इक्वेशन वन में पुट करते हैं तो क्या करेंगे, आई का वैल्यू एल एन आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई की जगह लिख देंगे एल एन आर नॉट, राइट, इंप्लाइज दैट ये बन जाएगा एल एन आर
माइनस ln आर नॉट दैट इक्वल टू माइनस के टी, करेक्ट है। हम के टी वाले टर्म को लेफ्ट में ले आते हैं तो के टी इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, ये ln आर नॉट था, के टी इक्वल टू ln आर नॉट माइनस ln आर इंप्लाइज दैट के इक्वल टू, अच्छा एंड के टी इक्वल टू log m माइनस log n, log m बाई n होता है, तो ये हो जाएगा ln ln r नॉट माइनस ln r होगा। तो ln log m माइनस log n, log m बाई n होता है, देन ln r नॉट बाई r ये बन जाएगा, राइट। अब फाइनली इसको हम log के टर्म्स में डिराइव करते हैं, तो अगर हम ln को log में कन्वर्ट करते हैं देन 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा kt इक्वल टू 2.303 log r नॉट बाय r। तो फाइनली हम लिख सकते हैं इसको, इंप्लाइज दैट k इक्वल टू 2.303 बाय t log r नॉट बाय r। ये आपका फाइनल डेरिवेशन हो गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।